यहाँ एक इतना सिवियर मामला है कि आप इमेजिन करिए कि आसमान से बारिश आती है, वो बारिश जो जाकर ग्राउंड वाटर के वाटर टेबल को बढ़ा देती थी, लेकिन आज क्योंकि हमारी सिटीज पूरी तरह से कवर्ड है, पानी जाकर सड़क पे गिरेगा, टार पर, टार की बनी हुई सड़कें या कंक्रीट की बनी हुई सड़कों पर, सड़कों में से जाकर गटर में जाएगा, गटर में से जाकर समंदर में पहुंचा दिया जाएगा। तो यानी वो ग्राउंड वाटर लेवल तो नहीं बढ़ा रहा है ना, वो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा जो बढ़ जाता था वो तो सी में जा रहा है, सी लेवल जी, और वो आ रहा है, वो फ्रेश पानी है, वो हमारे काम का पानी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी के तौर पर, मान लीजिए आपकी खुद की कॉलोनी है या कुछ लोग मिलकर एक इनिशिएटिव प्ले करते हैं कि भाई हम इसे वाटर को कलेक्ट करेंगे हार्वेस्टिंग के जरिए, और कुछ नहीं तो जाकर हमारे यहाँ अगर कोई लोकल कुआं है या अंदर कोई सिस्टम है उसके जरिए ग्राउंड वाटर तक पहुंचा दे, तो ये चीज करके यानी ग्राउंड वाटर का वाटर टेबल बढ़ता है और जो हमें लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्या कमाल की बात बताई है भाई ने कि जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है सड़कों का, जो हम तारकोल से या डामर जिसको कहते हैं मनाते हैं, बारिशें होती हैं, गिरती हैं, उनसे पानी बहता है, नालियों में जाता है और समंदर में चला जाता है। वाटर लेवल जमीन का बढ़ना था, समंदर का बढ़ जाता है, अच्छाई की जगह बुराई हो जाती है।